हेलो फ्रेंड्स, पहाड़ी रसोई में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको घंड्याली का अचार बनाना सिखाऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल रेसिपी है। तो आइए, जो सामग्री हमें इसके लिए चाहिए सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने घंड्याली ली है 1/2 किलो, 3 मीडियम साइज गलगल मैं यूज़ करने वाली हूँ, जिन्हें हिल लेमन भी कहा जाता है, 20 ग्राम मीठी सौंफ साबुत, 2 बड़ा चम्मच हल्दी, लाल मिर्च पिसी हुई स्वादानुसार, 20 ग्राम मेथी साबुत, नमक स्वादानुसार और तलने के लिए सरसों का तेल। सरसों के तेल के इस्तेमाल करने से अचार काफ़ी समय तक टिकता है और ख़राब नहीं होता। तो आइए अब हम इसे बनाने की विधि शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं घंड्याली को छीलने वाली हूँ। मैं इसे छीलूँगी और उसके बाद इसे वॉश करूँगी। वॉश करने के बाद मैं इसे क्यूब्स में कट करूंगी। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने घंड्याली को इस तरीके से छील के धो के रख लिया है। अब हम इसे क्यूब्स में कट करेंगे। फ्रेंड्स, मैंने लोई की कढ़ाई में तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें कटे हुए घंड्याली डालूंगी। फ्रेंड्स, आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। फ्रेंड्स, आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि हमें लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है, अदरवाइज हमारा अचार खराब हो सकता है। हमें इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब ये घंड्याली गोल्डन ब्राउन कलर की हो गई है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। सबसे पहले हम लो फ्लेम पे गैस को करके इस तेल में सबसे पहले मीठी सौंफ डालेंगे। इसके बाद मैं इसमें मेथी डाल रही हूँ। इसके बाद हल्दी, इसके बाद लाल मिर्च पिसी हुई, इसके बाद मैं इसमें माउंटेन लेमन का जूस जो मैंने इस तरीके से निकाल के रख लिया है वो डालूंगी। फ्रेंड्स, जूस को निकालते वक्त आपको इसमें नमक का इस्तेमाल करना है ताकि ये जूस कड़वा ना हो। अब हम इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये खट्टे का जूस इसमें अच्छे से पक ना जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अब खट्टे ने तेल को छोड़ दिया है और ये अच्छे से कुक हो चुका है। फ्रेंड्स, इसे पकाने का या कुक करने का मतलब ये है ताकि ये 8 से 10 सालों तक इजीली चल सके। फ्रेंड्स, आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि इस कुकिंग के लिए आपको लोहे की कढ़ाई का ही इस्तेमाल करना है। अब मैं इसमें घंड्याली डाल रही हूँ। घंड्याली को अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, अब हम इसे 1 मिनट तक कुक करेंगे। अब इसे 1 मिनट हो चुका है और हमारा अचार रेडी हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख दूंगी। ठंडा होने के बाद हम इसे एक ग्लास जार में डाल देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस। थैंक यू।